वेलकम टू ऑल डी एस सी जे ऑनलाइन क्लासेस ए डिजिटल इनिशिएटिव बाय डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू डेयर स्टूडेंट्स माई सेल्फ अंकुर गुप्ता टीचर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट राजौरी डेयर स्टूडेंट्स आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में बात कर रहे हैं जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ देखी कि पेयर ऑफ लीन इक्विशन इन टू वेरिएबल्स का बेसिक जो कॉन्सेप्ट था हमने वो देखा कुछ ग्राफिकली पार्ट देखे वही चीज़ आज दोबारा एक्सरसाइज थ्री पॉइंट टू में रिपीट होके आपके सामने नजर आ रही है स्क्रीन पर तो हम लोग अपनी कॉपी पेन आप लोग निकालिए और रखिए और बुक्स भी देखिए तो हम एक्सरसाइज थ्री पॉइंट टू को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो एक्सरसाइज थ्री पॉइंट टू में जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलिंग प्रॉब्लम्स जो एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस नीचे वाले जो गिवन प्रॉब्लम्स में आपको नज़र आएगा हमें उनका डियर स्टूडेंट्स सोल्यूशन निकालना है ग्राफिकली मैथड से तो हम क्वेश्चन देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन टेन स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एक्स टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज फोर मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन अ क्विज तो डियर स्टूडेंट यहाँ हम ये बताना चाहते हैं कि एक क्लास के अंदर दस स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया मैथमेटिक्स क्यूज़ के अंदर जिसमें कुछ लड़कियां थी कुछ लड़के थे बट ना तो हमें लड़के पता ना लड़के मीन्स कि ना बॉयज़ पता ना गर्ल्स पता तो डियर स्टूडेंट्स एक बात खास ध्यान में रखनी है जिनके बारे में हमें नहीं पता होता वो अनोन क्वान्टिटीज़ होती हैं और उन अननौन क्वान्टिटीज़ को अगर हमें रिप्रजेंट करना है तो हम वेरिएबल्स यूज करते हैं जर्नली एक्स वाई जेड आप कुछ भी ले सकते हैं इसका मतलब ना हमें बॉयज़ पता ना हमें गर्ल्स पता तो स्टार्टिंग में मैं बॉयज़ को और एक्स को और गर्ल्स को किसी वेरिएबल से रिप्रेजेंट करूंगा अब वो क्या है तो कहते हैं देयर लेट देयर आर एक्स नंबर ऑफ़ गर्ल्स अगर गर्ल्स हम एक्स मान के चलते हैं और बॉयज़ वाई मान के चलते हैं तो टोटल स्टूडेंट्स उस क्लास के अंदर दस हैं टेन स्टूडेंट्स हैं इसका मतलब बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का टोटल टेन आएगा तो जो हमने अभी पढ़ा जो बोला हम उसकी एल्जब्रिक एक्सप्रेशन में उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और उसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे आपकी पहली इक्वेशन आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही है एक्स प्लस वाई को टेन कि पहला लाइन जो लिखा है टेन स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एक्स दसवीं क्लास के दस स्टूडेंट उसमें से बॉयज़ और गर्ल्स तो यहाँ पर अगर हम देखें जो एक्स है ये बॉयज़ और गर्ल्स हैं और वाई बॉयज़ हैं गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को टोटल करके टेन आ रहा है फिर हम सेकेंड इक्वेशन देखते हैं कंसेप्ट लिखा गया कि भाई गर्ल्स बॉयज से फोर मोर हैं हम इस चीज़ को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का अगर हम डिफ्रेंस करें दोनों को माइनस करें नंबर ऑफ़ गर्ल्स में से नंबर ऑफ़ बॉयज़ निकालें तो फोर आएगा तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई अब इन्हीं दोनों क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट्स यूज़ करके हम लोग जो है ग्राफ बनाएंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा स्क्रीन पे यहाँ पे पहला इक्वेशन x एक्ष प्लस वाई इक्वल टू टेन जब मैं इस एक्स को वहां ट्रांसपोज करूंगा इस वाले एक्स को ट्रांसपोज करूँगा वहां पे, तो यहां पे ये प्लस का एक्स था तो वहां जाके माइनस का बन जाएगा तो आपकी इक्वेशन आपके सामने नजर आ रही है अब इसी इक्वेशन को जो ऊपर गिवन है वाई इज इक्वल टू टेन माइनस एक्स मैं एक्स की जगह पे, आप देखिए अगर यहाँ मैं इस एक्स की जगह पर एट भरू टेन से एट चले गए टू देखो ये वाई का आंसर आ गया फिर उसके बाद अगर मैं एक्स की जगह सेवन भरता हूँ तो टेन में सेवन गई थी देखो वाई थ्री नज़र आ रहा है इस तरीके आपकी बाकी वैल्यूज़ भी हैं कि अगर हम लोग सिक्स भरें तो फोर आएगा फाइव भरें तो फाइव आएगा क्योंकि टेन में से फाइव चले गए फाइव तो आपका जो पहला टेबल है वो आपको सामने नज़र आ रहा है अब हम सेकेंड वाले टेबल की बात करते हैं उसके लिए सेकेंड इक्वेशन लेनी है और सेकेंड इक्वेशन डे स्टूडेंट्स एक्स माइनस वाई इक्वल टू फोर इसका मतलब अगर हम वाई को उधर ट्रांसपोज करते हैं वो वैल्यू इधर लाते हैं तो आपको जैसे मर्जी करें आपके पास लास्ट में क्वेश्चन बनेगी वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर ठीक है तो अब इसको देखिए कैसे हम देख भी लेते हैं तो देखिए जैसे था एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फोर डियर स्टूडेंट्स तो अगर मैं वाई को उधर लेके जाऊँ इक्वल टू केधर अगर मैं वाई को रखता हूं तो ये फोर इधर आएगा एक्स पहले अपनी जगह पे माइनस का फोर जब इधर जंप करेगा ये प्लस का फोर बनेगा तो एक्स प्लस फोर तो आपकी क्वेश्चन वाई इक्वल टू एक्स प्लस फोर ऐसे बनेगी तो इसीलिए आप इस चीज़ को खास ध्यान में रखिएगा उसके बाद इसी को यूज़ करके हमने अगला जो है वो टेबल तैयार कर लिया तो देखो डियर स्टूडेंट्स पहला वैल्यू आपके पास जो नज़र आ रहा है स्क्रीन पे इस टेबल में वो नज़र आ रहा है थ्री अब आप देखिए एक्स की जगह में यहाँ थ्री भरता हूँ तो थ्री में से फोर निकाले डे स्टूडेंट्स वहां पे माइनस वन आता है इस तरीके अगर मैं भरता हूं यहां पे इसी में फोर भरता हूं तो एक्स की जगह फोर भरूंगा फोर माइनस फोर जीरो तो वाई का वैल्यू जीरो आ रहा है तो ऐसे आपके पास हम लोग चार वैल्यूज ले, ले लेते हैं तो मैंने चारों वैल्यू ली थ्री फोर फाइव सेवन जब इन वैल्यूज को हमने ध्यान से देखा तो हमें इन्हीं को प्लाट करके को प्लॉट करके हमें जो है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन मिल गई आप देख सकते हैं जितने सारे पॉइंट्स हैं वहाँ लिए बट ये जो आपको इक्वेशन दिखाई दे रही है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन और जो आपको सेकेंड इक्वेशन दिखाई दे रही है एक्स माइनस वाई इक्वल टू फोर ये जो दोनों इक्वेशंस हैं अगर हम इन इक्वेशंस को यूज करके टेबल बना के टेबल से पॉइंट अगर हम ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं डियर स्टूडेंट्स तो हमें दो स्ट्रेट लाइन मिलेंगी आप देख सकते हैं दोनों स्ट्रेट लाइंस एक स्ट्रेट लाइन आपकी ये वाली और दूसरी आपकी ये वाली तो दोनों स्ट्रेट लाइंस जो हैं ये किसी एक पॉइंट कॉमन पॉइंट पर इंटसेट कर रही है वो पॉइंट आपको नजर आ रहा है ये मैंने शो किया है इसको यहाँ पैरों के साथ तो जो ये पॉइंट आपको नज़र आ रहा है इस पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा अब ये पॉइंट पॉइंट जो है वो सेवन और थ्री है मीन्स की ये सेवन और थ्री जो आपका कॉमन पॉइंट है तो ये जो कॉमन पॉइंट आपको नज़र आ रहा है डियर स्टूडेंट्स यही आपका सोल्यूशन है यहाँ पे आपको सेवन और थ्री नज़र आ रहा है और आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जो पहली वैल्यू होती है वो एक्स की होती है और सेकेंड वैल्यू आपकी वाई की होती है तो इसका मतलब पहला वैल्यू सेवन था और दूसरा वैल्यू जो अभी ग्राफ में दिखाई दिया हमें थ्री था तो सेवन और थ्री इसका सोल्यूशन है सेवन एक्स को रिप्रजेंट करता है जो ये सेवन आपको नजर आ रहा है जब ग्राफ में एक्स को रिप्रेजेंट करेगा और जो थ्री है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा वाई को इसका मतलब एक्स की वैल्यू थ्री और वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू सेवन और वाई की वैल्यू थ्री तो इसका मतलब एक्स हमने गर्ल्स को सपोज किया था इसका मतलब वहाँ पे सेवन गर्ल्स हैं और थ्री वहाँ पे बॉयज हैं तो आपकी डियर स्टूडेंट पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आप सेकेंड प्रॉब्लम की ओर देखते हैं तो सेकेंड प्रॉब्लम में डियर स्टूडेंट्स फाइव पेंसिल्स एंड सेवन पेंस कॉस्ट फिफ्टी अगर मैं एक दुकान पे जाता हूँ मैं वहाँ से पांच पेंसिल्स परचेज़ करता हूँ और सेवन पेन्स परचेज करता हूँ उन दोनों का जो इकट्ठा कास्ट है वो मुझे फिफ्टी रुपीज़ लगेगा फिर उसके बाद अगर मैं सेम काइंड का मटेरियल, ये वर्ड याद रखना है अगर उसी दुकान पे जाके मैं सेम काइंड का मटेरियल परचेज करता हूँ बट डिफरेंट क्वान्टिटीज़ में अलग अलग क्वान्टिटीज़ में अगर आप मटेरियल कोई और ले तो फिर इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा सेम क्वांटिटी का मटेरियल अलग अलग क्वांटिटीज़ में लाना तो हम इसका यूनिक सोलूशन निकाल सकते हैं कि एक पेन का कास्ट और एक पेंसिल की कास्ट निकाल सकते हैं उसी दुकान के पास वापस गया सेवन पेंसिल और जो फाइव पेन परचेज़ किए तो दुकानदार ने उस वक्त फोटी सिक्स रुपीज़ के लिए बोला तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम ध्यान से देखें इसमें हमें निकालना है एक पेंसिल का कास्ट और एक पेन का कास्ट तो हम कुछ सपोज करते हैं तो लेट वन पेंसिल रुपीज एक्स एंड वन पेन कास्ट रुपीज़ वाई एक पेंसिल का कॉस्ट रुपी एक्स और एक पेन एक पेन का कॉस्ट रुपी वाई अगर हम सपोज करते हैं तो हमारा जो एल्जब्रिक एक्सप्रेशन है वो कैसे रिप्रेजेंट होगा यही तो देखने वाली बात है डियर स्टूडेंट्स मैंने क्या किया एक पेंसिल को ये पेंसिल जो एक पेंसिल है इसको मैंने स्पोज किया रुपीज़ उसकी कॉस्ट एक्स और जो यहाँ पे पेन आपको नजर आ रहा है इसका कॉस्ट लिया डे स्टूडेंट मैंने वाई अब अगर पांच पेंसिल हैं तो फाइव इंटू एक्स ही तो आएगा डे स्टूडेंट्स अगर डे स्टूडेंट सेवन पेन्वेन वाई तो आएगा इसीलिए आपकी अल्जब्रिक एक्सप्रेशन जो आपके सामने स्क्रीन पर नजर आएगी वो फाइव एक्स प्लस सेवन वाई इक्वल टू फिफ्टी आएगा कि पांच पेंसिल और सेवन पेंस कॉस्ट रुपीज फिफ्टी आपकी पहली इक्वेशन सिमिलरली आपकी डियर स्टूडेंट सेकेंड इक्वेशन सेवन पेंसिल्स और फाइव पेन सात पेंसिलें और पांच पेन टू गैदर कॉस्ट रुपीज़ फोर्टी सिक्स तो वही एक्वेशन आपने बना दी लिख दी उसके बाद ये स्टूडेंट्स हम दोनों इक्वेशनों को ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जो पहली इक्वेशन हम लोग देख रहे हैं वो है फाइव एक्स अगर मैं फाइव एक्स को ट्रांसपोज करके इधर की तरफ लेके जाऊँ तो मेरा सिर्फ यहाँ पे सेवन वाई बच जाएगा और सेवन वाई इक्वल टू जब इसको ट्रांसपोज कर इधर लाएंगे ये प्लस का तो यहाँ पे यहाँ पे माइनस का बन जाएगा तो मेरी जो इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी सेवन वाई इक्वल टू फिफ्टी माइनस फाइव एक्स उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम लोगों के सामने अगर वाई को अकेला छोड़ना है तो आपको पता है ये सेवन इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा तो जब सेवन नीचे डिवाइड होगा तो फिफ्टी माइनस फाइव एक्स अपन सेवन आपकी स्क्रीन पर नजर आएगा उसके बाद इसके जो सोल्यूशन हैं इसके जो पॉसिबल सोल्यूशन हैं वो ये नज़र आए तो अगर फोर मैं भरता हूँ यहाँ पे एक्स की जगह पे तो फाइव फोर सा ट्वेंटी माइनस माइनस प्लस फिफ्टी प्लस ट्वेंटी सेवनटी सेवेंटी डिवाइड बाई सेवन आपका टेन नज़र आ रहा है इसी तरीके अलग अलग वैल्यूज थ्री भरने से मुझे फ़ाइव नज़र आएगा टेन भरने से मुझे ज़ीरो नज़र आएगा आप देख सकते हैं जब हम यहाँ पर टेन भरेंगे तो फाइव टेन का फिफ्टी फिफ्टी माइनस फिफ्टी हो गया डियर स्टूडेंट जीरो और जीरो अपन सेवन जो है वो आपका ज़ीरो बन गया तो ये आपका जो पहला आ, स्क्रीन पे नजर आ रहा था पहला वाला इक्वेशन का ग्राफ अब हम सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं सेकंड सेकेंड इक्वेशन भी उसी तरीके अब देखिए ये यहां पे था सेवन एक्स तो जब सेवन एक्स को जो ट्रांसपोज करेंगे बनेगा माइनस का सेवन एक्स सेम बात आपको नजर में आ रही जो हमने प्रीवियस वाले स्टेप में करा तो इसी के बाद फाइव इन दोनों के नीचे डिवाइड जब वाई को मुझे अकेला करना है तो ये जो आपके पास यहाँ पे फाइव नज़र आ रहा है ये इसके नीचे आ जाएगा इसके डिवाइड में आ जाएगा तो वही आपको मैं आगे दिखाने वाला हूँ उस वक्त ये बन जाएगा फोर्टी सिक्स माइनस सेवन एक्स अपन फाइव अब इसी को यूज़ करके हम जो है इसके सोल्यूशन देखते हैं और हम टेबल देखें कुछ वैल्यूज़ आपको नज़र आएंगी तो आप तीन चार कुछ भी वैल्यूज़ ले सकते हैं तो जब ये टू मैं इधर एक्स में भरूंगा ये जो टू आपको नज़र आ रहा है अगर मैं एक्स में भरूँगा इस वाले एक्स में तो आंसर मेरे पास टैलो आएगा कैसे देख सकते हो यहाँ एक्चुअली टू नहीं है दिस इज़ द माइनस टू सेवन इंटू टू फोटी माइनस टाइम प्लस फोर्टी सिक्स प्लस फोर्टीन जो है वो आपका सिक्सटी हो जाता है सिक्सटी अपन फाइव इजिकल ट्वेल्व तो बाकी वाले पॉइंट्स थ्री भरने से अगर यहाँ से मैं थ्री उठाता हूँ तो थ्री भरने से बनेगा ट्वेंटी वन फोर्टी सिक्स में से अगर मैं ट्वेंटी वन निकालता हूँ तो ट्वेंटी फाइव आता है ट्वेंटी फाइव अपन फाइव यू कैन गेट दिस फाइव सिमिलरली एट भरने से मेरा फिफ्टी सिक्स आएगा फोर्टी सिक्स में फिफ्टी सिक्स निकाले माइनस टेन और अगर माइनस टेन अपन फाइव करेंगे आपका रिजल्ट आएगा ये वाला माइनस टू इसी तरीके हमारे पास दोनों टेबल्स नजर आ गए अब इन्हीं टेबल्स का यूज करके हमें इन पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है और जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है डियर स्टूडेंट्स वो आपको ऐसे नजर आएगी अब ये आपकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है देखिए डियर स्टूडेंट्स ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जब आपने ये जो इक्वेशन आपको नजर आ रही है फाइव एक्स प्लस सेवन वाई इक्वल टू फिफ्टी उसके लिए आपकी ये पूरी लाइन दिखाई दे रही है और जो दूसरी इक्वेशन है सेवन एक्स प्लस फाइव ए फोर्टी सिक्स उसके लिए आपको ये लाइन नज़र आ रही है इन दोनों इक्वेशने जो हैं ये एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगी और जब पॉइंट प्लॉट करेंगे और यहाँ भी देखो ये दोनों लाइन्स ये दोनों लाइन्स जो हैं ये एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही हैं वो पॉइंट है थ्री और फाइव अगर सपोज ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं होती ये लाइंस आपकी ऐसे होती ऐसे और ऐसे पैरलर होती तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसका नो सोल्यूशन कि हम ये नहीं निकाल सकते बट यहाँ नो सोल्यूशन आए नहीं यहाँ पे एक पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है ग्राफिकली से तो ये यह देखो यहाँ पे अगर हम ग्राफिकली डी स्टूडेंट ध्यान से देखें ये थ्री जो एक्स एक्सिस को सॉरी ये थ्री और फाइव जो है ये देखो ये जो पॉइंट सॉरी थ्री फाइव जहाँ रिप्रेजेंट किया है ये एक्स एक्सिस को थ्री पर टच कर रहा है और देखिए वाई एक्सिस को फाइव पर टच कर रहा है इसीलिए थ्री और फाइव पहला पॉइंट हम एक्स का लेते हैं और दूसरा पॉइंट हम वाई का लेते हैं अब सी और ऑर्डिनेट जो कोऑर्डिनेट बनाते हैं उसके बाद ये स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है हमें एक चीज नजर आई ग्राफ के अंदर से थ्री और फाइव उसका कॉमन पॉइंट है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है डियर स्टूडेंट्स तो थ्री और फाइव इसका सलूशन है इसका मतलब जो कास्ट है एक पेंसिल की और रुपीज थ्री है क्योंकि पेंसिल को मैंने एक्स माना था और पेन को मैंने वाई माना था कि एक पेंसिल की कास्ट रिपीज रुपी एक्स और एक कॉस्ट रुपी वा और इसका मतलब एक्स का वैल्यू थ्री आया इस मीन एक पेंसिल की कॉस्ट उस वक्त थ्री होगी और एक पेन की कॉस्ट जो है रुपीज फाइव इसी तरीके हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखी और हमने इसका सोल्यूशन निकाला अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं डियर स्टूडेंट्स अब जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सिंपल प्रीवियस नॉलेज आपकी यूज हो रही है क्या था अनकम्पेयरिंग द रेशियोज या आपका लिखा गया ए वन अपान ए टू जो आपका यहाँ मैंशन किया गया ए वन अपन ए टू पहले वाला फिर बी वन अपन बी टू तीसरे वाला फिर सी वन अपन सी टू तीसरे वाला तो यहाँ पे बोलता है कि अगर हम रेशोज़ बनाएं जो भी हमें क्वेश्चन गिवन होगी हमें उनमें से बताना है कि कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो वन पॉइंट ऑफ इंटरसेशन है या इंटरसेक्टेड वन पॉइंट होते हैं कौन कौन से पैरर हैं और कौन कौन से कोइंसिडेंट हैं तो इन्हीं चीज़ों को हम ध्यान से देखेंगे डियर स्टूडेंट्स तो आपकी जो पहली इक्वेशन इधर स्क्रीन पे नज़र आ रही है जो पहली इक्वेशन नजर आ रही है क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट पार्ट फाइव एक्स प्लस फोर माइनस फोर वाई प्लस एट इक्वल जीरो सेवन एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस नाइन इक्वल जीरो आप डियर स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखिएगा अब इन्हीं दोनों इक्वेश को अगर हम लोग सोलूशन uh, करेंगे तो क्वेश्चन सोलूशन के अकॉर्डिंग द गिवन एक्सप्रेशन आर ये जो गिवन एक्सप्रेशन है वही मैंने रिपीट करके लिखी नीचे अब इनको हम कंपेयर करेंगे डियर स्टूडेंट्स इनको अगर हम कंपेयर करें किसके साथ ये देखिए ये एक्वेशन बेसिक है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल जीरो और सेकेंड वैल इक्वेशन है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल जीरो अब ये दो इक्वेशन है जनरल फॉर्म में जो जनरल फॉर्म में इक्वेशंस होती हैं उनको इन गिवन इक्वेशन के साथ हमें कंपेयर करना होता है अब डियर स्टूडेंट बड़े ध्यान से देखेगा यहां से जो इस इक्वेशन में एक्स नजर आ रहा है इसका एक्स का कोफिशेंट ए वन इसका मतलब मुझे उसके साथ कंपेयर करना है तो यहां पर एक्स कोफिशेंट है फाइव इसका मतलब ए वन का वैल्यू फाइव हो गया सिमिलरली सेकंड के लिए ये बी वन है वाई का कॉफिशेंट ये यह, यहां पर वाई कोफिशन हो गया माइनस फोर इसका मतलब बी वन का वैल्यू माइनस फोर हो गया सिमिलरली यहां पर लिखा हुआ सी वन और सी वन आपकी एक कांस्टेंट टर्म आपको ये सामने नजर आ रही है सी वन या आपका कांस्टेंट टर्म तो ये स्क्रीन में आपके सामने इनकी वैल्यूज जो हैं वो नजर आ रही हैं कि इनकी क्या क्या वैल्यूज हैं तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि हमें कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट बताना है या हमें बताना है कि लाइन्स एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही हैं या ये पैरलर है या कोंसीडेंट है उस केस के लिए हम ग्राफ बनाने की नहीं है हम सिर्फ इनका रेशियोज कंपेयर करेंगे और इनका सोलूशंस निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स तो अगर हम यहाँ पे बात करें यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो आपने देखा ए वन की वैल्यू फाइव मिली बी वन की वैल्यू माइनस फोर ये नज़र आ रहा है आपको माइनस फोर आप देख सकते हैं ध्यान से बी वन का जो वैल्यू है ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे माइनस फोर और सी वन जो है ये मेरे पास माइनस एट नज़र आ रहा है और उसके बाद यहाँ पर जब मैं इनका रेशियोज बनाऊँगा अब मुझे रेशियो बनाने के लिए क्या करना है डियर स्टूडेंट्स ए वन को ए टू से डिवाइड करना है बी वन को बी टू से डिवाइड करना है सी वन को सी टू से डिवाइड करना है डिवाइड करने का मतलब यह नहीं है कि आपको डेसिमल्स में निकालना है इसका आंसर सिंपल Simple, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाओ इसकी लोवेस्ट टर्म में लेके जाओ इसको तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे अब आप एक बार प्रीवियस दोबारा देखें ए हो गया फाइव अपन सेवन ए वन अपन ए टू हो गया फाइव अपन सेवन बी वन अपन बी टू हो गया माइनस फोर अपन सिक्स ऐसे सी वन अपन सी टू है तो इनका रेशियोज आपके सामने डियर स्टूडेंट नज़र आ रहा है तो जब इनका रेशियो नजर आया ये देखिए आपको यहां दिखाई देगा ये फाइव अपन सेवन है बी वन अपन बी टू था माइनस फोर बाय सिक्स ये नज़र आया तो अब टू वन ज टू, टू 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 जा फोर थ्री टू जिक्स ये रेशियो बन गया और तीसरा एट अपन माइनस नाइन ये तीन रेशियो आ गई अब अगर हम देखें जब भी हमें फ्यूचर में कंपेरिजन लेना है हम कभी भी तीनों को किट्ठे नहीं देखेंगे सबसे पहले डी स्टूडेंट्स हम फर्स्ट टू रेशियोज को देखेंगे अगर हम पहली दो रेशियो को देखें डियर स्टूडेंट्स वहां पे पहला आंसर आ रहा है फाइव अपन सेवन और सेकंड रिजल्ट आ रहा है माइनस टू बाई थ्री अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो ये दोनों आपस में अनइक्वल हैं कि फाइव अपन सेवन कभी भी माइनस टू अपन थ्री के बराबर नहीं होगा इसलिए यहां मैंने कंडीशन प्रोवाइड कर दी कि सिंस ए वन अपन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपन बी टू ए वन अपन ए टू और बी वन अपन बी टू डे स्टूडेंट्स इक्वल नहीं है तो जब ऐसी कंडीशन आपके सामने आती है उस वक्त हम यहां बोलते हैं कि जब यह कंडीशन आपको नजर आएगी दिस वन फ्यूचर के लिए याद रखिएगा ए वन अपन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपान बी टू उस वक्त आपको यह खास ध्यान में रखना है कि उस इक्वेशन का सोलूशन हमेशा यूनिक होता है जब पहली दो बराबर नहीं है तीसरे को हम कभी नहीं देखते जब पहली दोनों अनइक्वल हैं रेशियोज उस वक्त यहाँ पे इसका यूनिक सोल्यूशन होता है तो जो यूनिक सोल्यूशन होता है वो एग्जैक्टली एट वन पॉइंट पे काटता है लाइन को इसका मतलब उसका अगर ग्राफ बनाए तो ऐसे बनेगा एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इन चीजों को खास ध्यान में रखना है अब डियर ए स्टूडेंट हम सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन वहाँ पर गिवन है सेकेंड पार्ट सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट गिवन है नाइन एक्स प्लस थ्री वाई प्लस ट्वेल्व इक्वल जीरो एटीन एक्स प्लस सिक्स वाई प्लस ट्वेंटी फोर इक्वल जीरो हमने सेम वे हमने यहाँ पे ऑप्ट करना है सेम तरीका अब वो क्या वे है कि उसी तरीके आपने जो है इन्हीं इक्वेशनों का दोनों का कंपेयर करना इसके साथ तो ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू कि हम हमें इसका वैल्यू निकालना है तो अगर आप देखें ध्यान से ए वन का वैल्यू नाइन कोफिशन ऑफ एक्स बी वन कोफिशन ऑफ वाई दैट इज़ थ्री सी वन कॉन्सटेंट टर्म दैट इज़ ट्वेल्व फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर नज़र आ रहा है ए टू दैट इज़ एटीन बी टू सिक्स एंड सी टू इज ट्वेंटी फोर अब हम इन तीनों का रेशियो बनाएंगे मैं नाइन को एटीन से डिवाइड करूंगा दैट इज़ ए वन अपन ए टू उसके बाद मैं जब डिवाइड किया तो रेशियो डी स्टूडेंट आपके सामने नजर आ गया ये तीन रेशियो आपको नजर आई फर्स्ट सेकेंड और थर्ड अगर डी स्टूडेंट्स आप इन तीनों रेशियो को ध्यान से बात करेंगे देखिए जरा ध्यान से तो तीनों रेशियो क्या नजर आई आपको तीनों रेशियो ये नज़र आई कि तीनों रेशियो आपस में इक्वल फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों की वैल्यू बराबर है जब तीनों की वैल्यू बराबर होगी हमारा कंडीशन इम्पार्ट हो गया और वो कंडीशन क्या है कि ए वन अपन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपन बी टू इज इक्वल सी वन अपन सी टू जब तीनों रेशियो बराबर होती हैं उस वक्त यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होते हैं और वही बात यहाँ पे वो कह रहा है कि उस वक्त सो द दूसर हैव इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस और लाइन्स आर कोइंसिडेंट यहाँ पे मैनी सोल्यूशन होंगे और लाइन यहाँ पे कौन साइड करें मतलब कि एक दूसरे के ऊपर अवर करेगी हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था और इसके इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशनस होंगे अब डियर स्टूडेंट हम थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं सिक्स एक्स माइनस थ्री वाई प्लस टेन इक्व जीरो टू एक्स माइनस फाइव वाई प्लस नाइन इक्वर ज़ीरो जब ये कॉन्सेप्ट देखा तो कंपेयर करेंगे यहाँ पे आपका सोल्यूशन जो है वो इस तरीके का आएगा ए वन सिक्स बी वन माइनस थ्री और सी वन जो टेन है ए टू टू है बी टू माइनस वन है सी टू नाइन हो गया फिर हम इसका रेशियो बनाएंगे रेशियो बनाने के बाद आप ध्यान से देखिए जब मैंने ए वन और ए टू को डिवाइड किया आंसर मेरे पास आ गया सिक्स अपन टू द रिजल्ट इज थ्री उसके बाद माइनस थ्री अपन माइनस वाइन माइनस वाइनस का रिजल्ट इज थ्री फिर सी वन अपन सी टू टेन अपन नाइन ये हो गया जी टेन अपन नाइन तो अब आप मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जब भी आपको एक चीज़ देखनी है तो आप पहले पहली दो को देखेंगे फर्स्ट टू इक्वल हैं फिर थर्ड पर नज़र लगाएंगे तो थर्ड तो अन इक्वल है आपकी जो कंडीशन यहाँ बन गई वो आपके पास कंडीशन आपके सामने नजर आई ए वन अपान ए टू इज इक्वल टू बी वन अपान बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन अपान सी टू पहली दो रेशियो बराबर हैं फर्स्ट टू रेशियो दिस एंड दिस आर इक्वल बट नॉट इक्वल टू तीसरी वाली इसके बराबर नहीं है इसका मतलब यहाँ बोलेंगे ये यह एक ऐसी कंडीशन है जो नो no सोल्यूशन के बारे में बताती है इसका मतलब इसका सोल्यूशन कोई नहीं होगा और इसका ग्राफ अगर हम बनाएंगे वो पैरलर नजर आएगा तो लिख रहा है यहां पे, सो द पेयर्स ऑफ द क्वेश्चन गिवन इन द क्वेश्चन आर पैरलर ये पैरलर होंगी दोनों लाइंस, और लाइन नेवर इंटरसेक्ट, लाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी किसी भी एक सिंगल पॉइंट में या बहुत सारे पॉइंट्स में तो इसीलिए Uh, हमारे लिए यहाँ पे नो पॉसिबल सोल्यूशन होगा और जो नो पॉसिबल सोल्यूशन होता है वो हमेशा इनकसिस्टेंट होता है तो यहाँ आएगा नो पॉसिबल सोल्यूशन मीन्स की नो no सोल्यूशन इसके बाद हम नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन भी उसी वैरायटी का हमने इक्वेशन ले ली इक्वेशन लेने के बाद हमने यहाँ पे भी दोनों एक्शनों को अब देखिए यहाँ पे क्या किया डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्या किया थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्व टू फाइव टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्ल टू सेवन जब मैंने ये वाली फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लिखी तो देखिए इस फाइव को ट्रांसपोज करके मैं इधर लेके आया ये प्लस का था वहां जाके माइनस का बन गया ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई डियर स्टूडेंट दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ये आपकी इक्वेशन बन रही है ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन रहा है उसके बाद डी स्टूडेंट्स ऐसे ही आपने सेकेंड इक्वेशन की बात करी सेकेंड इक्वेशन ये यहाँ पे है जब मैं सेवन को इधर लाऊंगा तो यहाँ पे माइनस का सेवन बन जाएगा अब आपके पास दो क्वेश्चन आ गई एक आपके पास आ गई फर्स्ट क्वेश्चन एक आपके पास आ गई फर्स्ट क्वेश्चन और उसके बाद एक आपके पास आ गई सेकेंड क्वेश्चन हम इन दोनों क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से देखते हैं और इन क्वेश्चन को हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं किसके साथ ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल जीरो ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल जीरो उसके साथ हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं तो जब हम कंपैरिजन डालेंगे इसमें तो आपका वैल्यूज उसी तरीके आपका निकल जाएगा ए वन का वैल्यू कितना है बी वन का वैल्यू कितना है सी वन का वैल्यू कितना है ए टू का कितना बी टू कितना सी टू कितना है तो वैल्यू जब आपके सामने आएंगी हमने इसकी रेशियोज़ बना ली तो रेशियोज़ बनाने के बाद हमने रेशियोज़ को कंपेयर किया अब देखिए डियर स्टूडेंट्स मैंने पहले बोला पहले दो रेशियो को हमेशा कंपेयर करना होता है तो देखिए दोनों अनिकवल हैं एक थ्री बाई टू एक टू अपान माइनस थ्री है तो दोनों अन एकवल हैं तो फर्स्ट टू अगर अनिकवल होती हैं तो सिंपल सी बात है वहां पे नो सॉरी यूनिक सोल्यूशन होता है अगर पहली दो बराबर तीसरी भी बराबर उस वक्त इनफनेटली मैनी सोल्यूशंस अगर पहली और दोनों दूसरी बराबर तीसरी नॉट इक्वल टू तीसरी नहीं बराबर उस वक्त नो सोल्यूशन होता है बट ये पहली दोनों बराबर नहीं इसका मतलब ये यूनिक सोल्यूशन के बारे में बताता है और जो यूनिक सोल्यूशन होता है आप वहां पर लाइनें हमेशा इंटरसेप्ट करती हैं यह आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है वहाँ पर लाइनें दोनों इंटरसेप्ट करती हैं यूनिक सोल्यूशन में और जब जिली स्टेशन पर लाइनेट करती हैं तो वहां पे हमारे पास जो सोल्यूशन मिलता है वो कंसिस्टेंट होता है क्योंकि इस क्वेश्चन में बताना था कि कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है अब हम सेकेंड एग्जाम्पल इसकी देखते हैं यहां पर भी सेम वराइटी की इक्वेशन है आपके सामने डी स्टूडेंट्स अक्वेस्टन आपको नजर आ रही है तो फर्स्ट इक्वेशन हमने कैसे बनाई उसी तरीके जब हमने इस एट को इधर ट्रांसपोज करके ले आए फिर नाइन को ट्रांसपोज करके ले आए तो फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन आपके सामने नजर आएंगी तो फर्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स आपके सामने नजर आ रही है फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे वो नजर आ रही है दिस वन जस्ट लाइक दिस ये वाली और ये वाली ये फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन आ गई अब हमें इन्हीं क्वेश्चनों को कंपेयर करना है जनरल क्वेश्चन के साथ ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल जीरो तो अब जो पहला क्वेश्चन नंबर टू पढ़ा और थ्री पढ़ा इनमें डिफरेंस क्या था दोनों में डी स्टूडेंट डिफरेंस ये था कि भाई इसमें आप लोगों को क्या करना है कंपेयर करके कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में बताना है तो जब कंपेयर किया आपने वैल्यू देखी तो जो हमें ए वन नज़र आ रहा है वो टू नज़र आ रहा है बी वन नज़र आ रहा है माइनस थ्री कंपेयर करके देखिए सी वन माइनस एट ऐसे ए टू फोर बी टू सिक्स माइनस का और सी टू माइनस का नाइन तो जब इनकी रेशियो बनाई ये रेशियो नज़र आ रही फिर हमें पहली दो रेशियो को कंपेयर करना है जब हम पहली दो रेशियो कंपेयर करेंगे डियर ए स्टूडेंट देखिए दोनों रेशियो बराबर है बट जब पहली दो बराबर नहीं है सिंपल यूनिक सोल्यूशन बट पहली दो बराबर आ रही हैं इसका मतलब तीसरे के साथ इसको जोड़ेंगे जब इसको थर्ड के साथ जोड़ेंगे हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास उस वक्त ये चीज़ आपके सामने नजर आएगी ए वन अपान ए टू इज इक्वल टू बी वन अपान बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन अपान सी टू डी स्टूडेंट्स और ये जो हमें एग्जांपल डाली अभी इधर ये किसकी बात कर रहा है ये बात कर रहा है नो no सोल्यूशन की और नो no सोल्यूशन में आपको पता होना चाहिए अगर हम उसका ग्राफ बनाएं तो वो हमेशा पैरलर होता है तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं सो द इक्वेशन आर पैरल टू अदर एंड दे हैव नो पॉसिबल सोल्यूशन इसका बाद उनका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा और अगर लाइनें आपस में पैरलर नजर आती हैं डे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जब लाइनें पैरल नजर आती हैं उनके बीच में कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होता वो हमेशा हमेशा इनकसिस्टेंट होता है तो कंसिस्टेंट सिर्फ और सिर्फ यूनिक सोल्यूशन और इन्फिनाटली मैनिक सोल्यूशन में कंसिस्टेंट होता है जहाँ पे लाइनें आपस में टच होती हैं जहाँ पे लाइनें टच ही नहीं होती जहाँ पे लाइनें दोनों पैरल आती हैं वो हमेशा इनकॉन्स्टिशेंट होता है डियर स्टूडेंट्स तो हम हम नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट भी इसी तरीके की एग्जाम्पल है फाइव एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू इलेवन ऐसे टेन एक्स तो जब हम इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर भी दोनों क्वेश्चन हम ध्यान से देखें यहाँ पर भी हम लोग कंपेरिजन देखें तो कंपेरिजन में आपको सेम चीज़ मिलेगी ए वन की वैल्यू बी वन की वैल्यू सी वन की वैल्यू ए टू की वैल्यू बी टू की वैल्यू सी टू की वैल्यू तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना है वही आपको रेशियो कंपेयर करना है डियर स्टूडेंट जब रेशियो कंपेयर करोगे तो आपके सामने रेशियो नजर आएगी और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमें यहाँ लास्ट में देखना है ये तीनों बराबर हैं और जब तीनों रेशियोज बराबर होती हैं डियर स्टूडेंट्स उसके उस वक्त क्या होता है उस वक्त हमें ये नज़र आता है कि दीज लीनियर इक्वेशंस आर कोंसिडेंट लाइन्स एंड हैव इनफिनिट नंबर ऑफ पॉसिबल सोल्यूशंस यहाँ पर हम इनफिनिट सोल्यूशन निकाल सकते हैं तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा आज का टॉपिक uh, रहा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल डियर स्टूडेंट और इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट uh, uh, जो है वो क्वेश्चंस या नेक्स्ट जो हमें मेथड पढ़ने हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ओके थैंक यू हैव अ नाइस डे स्टे होम स्टे सेफ घर में रहिए सुरक्षित रहिए इन वीडियोज़ को वाच कीजिए अदर बुक्स को भी टच कीजिए और अपने कंसेप्ट और डेवलप कीजिए ओके थैंक यू हैव आ